कैसे आप सब, स्वागत है आप सभी लोगों का मेरे इस नए वीडियो में। तो आज का जो टॉपिक है वो आज हम जो है अपना बेस एम्पलीफायर जो होता है उसको हम आज अनबॉक्सिंग करने वाले हैं एंड उसका फुल डिटेल आप लोगों को देंगे एंड उसका पूरा सेटिंग टेस्टिंग सब आपको हम दिखाएंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, चलते हैं हम अपने वीडियो की तरफ। और अगर आप लोगों को हमारा वीडियो अच्छा लगता है, हमारे वीडियोस को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बगल में एक बेल का आइकन आएगा उसे ऑल पे सेट करना ना भूलें, ताकि आप लोगों को हमारा नया नया वीडियो जो है सबसे पहले मिले। तो चलिए फ्रेंड्स, चलते हैं अपने वीडियो की तरफ। और सो फ्रेंड्स, जैसा कि आप लोग देख सकते हैं, ये रहा हमारा एम प्रो का एम्पलीफायर जो कि बेस एम्पलीफायर है और बहुत तगड़ा ही आउटपुट देता है हमारे डीजे सिस्टम में। तो यही आज का टॉपिक है, आज हम इसी के बारे में आप लोगों को पूरा डिटेल देंगे और उसका पूरा सेटिंग आप लोगों को बताएंगे। तो जैसा कि फ्रेंड्स आप लोग देख सकते हैं, ये हमारा एम प्रो का एम्पलीफायर है, यहाँ पर लिखा हुआ है प्रोफेशनल पावर एम्पलीफायर और यहाँ पे इसका ऑन ऑफ का बटन दिया हुआ है और इसमें दो चैनल रहते हैं, चैनल ए और इधर ये चैनल बी, ये दो चैनल रहते हैं और ये पावर का इंडिकेटर है और ये प्रोटेक्ट का इंडिकेटर है, ये सिग्नल का है और ये क्लिप का है। ये चार इंडिकेटर आप लोगों को देते हैं फ्रेंड्स कंपनी की तरफ से। और ये हमारा 6000 वाट का एम्पलीफायर है जिसमें से हमारा चार जो बेस एम्पलीफायर है वो आ जाता है एकदम आराम से, 1500 वाट का चार एम्पलीफायर आराम से आ जाएगा फ्रेंड्स। और चार बेस को ये अकेले मतलब ऑपरेट करेगा और आप लोग इतना ही वॉल्यूम रखिएगा फ्रेंड्स, तो आप लोगों को देखिएगा फ्रेंड्स कितना मस्त आउटपुट देता है, पूरा मतलब बेस बूम बूम बेस देता है फ्रेंड्स, हल्का भी मतलब क्लिप नहीं, कोई आवाज़ कट नहीं करता है फ्रेंड्स, एकदम बेस्ट आउटपुट देगा आप लोगों को। तो चलिए फ्रेंड्स, ये हो गया हमारा आगे का और अब हम इसका पीछे का पूरा देख लेते हैं फ्रेंड्स। तो चलिए अभी चलते हैं हम कैमरा को लेके बैक पैनल की साइड में। सो फ्रेंड्स, जैसा कि आप लोग देख सकते हैं, ये हमारा बैक पैनल है जो कि यहाँ पे देख सकते हैं फ्रेंड्स, इसमें चार फैन लगे हुए रहते हैं, ये दो आगे और दो पीछे और दो आगे लगे हुए हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, ये हो गया हमारा पंखा के बारे में और हम बात कर लेते हैं अब इसके लिंक्स के बारे में। तो ये जो होता है फ्रेंड्स, ये लिंक दिया हुआ रहता है, ये इसमें से आप सीरीज कर सकते हैं, इसमें से दूसरा एम्पलीफायर ऐड कर सकते हैं। और ये सब जो रहता है, ये तीन रहता है हमारा मिक्सर के साथ सीरीज करने के लिए। इसी दोनों में मिक्सर का पिन इनपुट करेंगे और इधर से आउटपुट ले लेंगे या हमें मिक्सर पे दे देंगे। इसके बारे में सेटिंग के बारे में भी मैंने एक वीडियो बनाया हुआ है, अगर आप लोगों ने वो वीडियो नहीं देखा है तो यहाँ आई बटन पे आप लोगों को लिंक मिल जाएगा फ्रेंड्स, यहाँ पे आप लोग जाइएगा और देख लीजिएगा फ्रेंड्स इसका सेटिंग। तो ये हो गया और ये हो गया हमारा पूरा, यहाँ पे देखिए फ्रेंड्स स्टीरियो एंड ब्रिज का है और ये बीच में मोनो का है। तो अभी जो है हमारा इसमें मतलब मैंने कोई छेड़खानी नहीं की है, जैसा कंपनी की तरफ से दिया था एकदम सिस्टम वैसा ही किया हुआ है, इसमें मैंने कुछ छेड़खानी नहीं की है। और यहाँ पे देख लीजिए फ्रेंड्स, आप लोगों को समझाने के लिए कुछ डायग्राम दिया हुआ है कि इसका मतलब जो है इसका सेटिंग कैसे करना है। इसमें स्पीकॉन का एक केबल आएगा फ्रेंड्स, आप लोग वो केबल ले लीजिएगा और यहाँ पे डायग्राम दिया हुआ है कैसे कैसे इसको कनेक्शन करना है, तो उसी के बारे में आप लोग इसमें से देख लीजिएगा और कनेक्शन कर लीजिएगा। अगर आप लोगों को स्पीकॉन का मतलब समझ नहीं आ रहा है कैसे कनेक्शन करना है तो यहाँ पर आप लोग इसका देख सकते हैं। ये एक मेरा टूट गया था, ये दर्दनाक इसके साथ हादसा हो गया फ्रेंड्स, तो इसी की वजह से इसका पॉजिटिव टर्मिनल जो है वो टूट गया, बाकी ये तीन टर्मिनल बचा हुआ है। तो अगर आप लोगों को ये नहीं समझ आ रहा तो इसमें करिए, अगर आप लोगों का ये टूट गया तो आप इसमें कर लीजिए, मतलब ये दोनों जो है बाहर टायर वायर निकालने के लिए दिया हुआ रहता है, तो आप एक बार में मतलब इधर ही कर सकते हैं, इसमें ले लिए तो ये खाली, इसमें ले लिए तो ये खाली बस। तो चलिए फ्रेंड्स, इसका जो हो गया हमने आप लोगों को आगे फ्रंट का भी दिखाया, बैक का भी दिखाया, अब चलिए ऊपर देख लेते हैं कि इसकी ब्रांडिंग कैसी है। तो यहाँ फ्रेंड्स आप लोग देख सकते हैं, ये रहा एम्पलीफायर के ऊपर का पोर्शन, आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे लिखा हुआ है एम प्रो, एकदम बड़े मस्त डिजाइन में लिखा हुआ है। और यहाँ ये इसको नट लगा हुआ है खोलने के लिए और इसके अंदर बहुत मतलब हैवी क्वालिटी का सामान लगा हुआ है। तो चलिए फ्रेंड्स, एक छोटा सा क्लिप मैंने रखा हुआ था अपने डीजे का, तो वही क्लिप अभी हम आप लोगों को दिखा रहे हैं एंड आप लोग हमको बताइएगा कि इसका बेस क्वालिटी कैसा था। तो चलिए फ्रेंड्स, अभी हम चलते हैं वीडियो की तरफ। Thank you.
हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें।